हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी की भी कॉल अपने फ़ोन पर कैसे सुने। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड की या फिर अपने भाई बहन किसी की भी कॉल को अपने फ़ोन में फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से आप अपने फ़ोन में उसकी कॉल को सुन सकते हैं कि वो कहाँ और किससे बात करती है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगी, फिर आप कमेंट करोगे कि भाई मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप मान लीजिए अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड की कॉल अपने फ़ोन पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो आपको करना क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको करना होगा, यहाँ पर आपको उसका फ़ोन एक मिनट के लिए अपने हाथ में ले लेना है। दोस्तों, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपका भाई बहन, जिसकी भी आप सुनना चाहते हैं, सिंपल से आपको उसका फ़ोन अपने हाथ में ले लेना है। और लेने के बाद अब आपको उसके फ़ोन के डायल पैड में चले जाना है। डायल पैड में जाने के बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, यहाँ पर आपको उसके फ़ोन के डायल पैड में क्या आपको लगाना है। दोस्तों, यहाँ पर उसके फ़ोन के डायल पैड में आपको लगाना है *401*, इतना लगाने के बाद अब आपको सिंपली अपना नंबर उसके फ़ोन में लगा देना है दोस्तों, अपनी GF के। दोस्तों, आपको अपनी गर्लफ्रेंड के फ़ोन के डायल पैड में इतना लगाने के बाद अपना नंबर लगा देना है और हश लगा के ओके कर देना है। ये करने के बाद फिर आपको उसका फ़ोन उसके हाथ में दे देना है। दोस्तों, जितनी भी कॉल उस पर आएंगी वो आपके फ़ोन पर भी आएगी और उसके फ़ोन पर भी आएगी। अब दोस्तों, जब आपको यकीन हो जाए कि मेरी GF या मेरा भाई या मेरी बहन किससे बात करती है, तो आप मिसाल के तौर पर रिकॉर्डिंग करके उसे सुना भी सकते हैं या आप उसे किसी भी तरह आप दिखा सकते हैं। दोस्तों, जब आपका काम हो जाए, अब आपको इसे डीएक्टिवेट करना भी आना चाहिए। फिर से आपको करना क्या होगा दोस्तों, फिर से आपको डायल पैड में चले जाना है और यहाँ पर आपको लगा देना है *402 और यहाँ पर आपको नंबर लगा देना है। डायल पैड में आने के बाद फिर से आपको *402 इतना लगाने के बाद और यहाँ पर आपको नंबर लगाकर ओके कर देना है और उसके फ़ोन से आपकी कॉल डीएक्टिवेट हो जाएगी। दोस्तों, ये सब ट्रिक करने के बाद आप उसकी सारी कॉल अपने फ़ोन पर सुन सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।